आए थे, कैसा लग रहा है ऋषिकेश? ऋषिकेश क्या घर जैसा हो गया भाई, घूमते घूमते चले आते हैं। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम जा रहे हैं प्री वेडिंग पे, और जैसे कि आप देख सकते हो पीछे हो रहा है हमारा सामान लोड। तो अभी चलते हैं प्री वेडिंग पे, बाकी आगे की जर्नी आपको दिखाता हूँ मैं। तो आसिफ कहाँ जा रहे हैं हम आज? आज सोचा तो है पटना वाटरफॉल जाएंगे बस, बट देखते हैं कहाँ ले जाते हैं रास्ते कहाँ ले जाते हैं। और अभी तो निकल रहे हैं यहाँ से, इसको आप जानते होंगे। ये कौन से सारे थे? सो अभी तक हम सब आ चुके हैं, बट आदित्य नहीं आया। कोरोना की रिपोर्ट भी करा ली, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इस पूरे ब्लॉग की, कि हम पूरी सेफ्टी के साथ जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। सही बात है। शुभम मास्क लगाओ। हाँ जी। तुम्हारा मास्क नीचे, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सो ये आ चुका है आदित्य सबसे लेट, और उधर जा रहा है, लेट ही है सबसे, सबसे लेट है। ड्रायर जरूरी है इनका, और कुछ जाए ना जाए ड्रायर जरूरी है। सो चलो चलो जल्दी चलो चलो। तो हम तीन जा रहे हैं बाइक कार, और जो हमारे कपल्स हैं उनकी कार अलग है, आगे इंतजार करते हैं, और बाकी उमेश और आदित्य आएंगे बुलेट से। परिंदा वैसे जा कर रहे हैं आज, हम जा रहे हैं अभी ऐसे तो ऋषिकेश। हाँ, वहाँ से हम निकलेंगे। हाँ, और देखेंगे कोई अच्छी से मिल जाए यहाँ पे चार। तो सबसे अच्छी बात अभी तक हमारा गाना डिसाइड नहीं है अभी तक गाना डिसाइडेड नहीं है करने क्या वाले हैं, बट वी ऑल आर क्रिएटिव हेड, जो मर्जी जैसा चाहो शूट कर सकते हो, जाके अपने आप क्रिएटिविटी आ जाएगी। हाँ, लोकेशन देख, ये हमारे क्रिएटिव हेड कौन? मैं परिंदा। परिंदा, अच्छा परिंदा, मुझे लगा मैं थैंक यू बोल देता हूँ। मैं बोल देता हूँ थैंक यू, हमेशा बंद रहता बट आज खुला मिल गया मैं किस्मत से। और उसमें हमारी 5 मिनट बर्बाद हो गई, ये सब 5 मिनट में रेडी हुए हैं। 7 मिनट रेडी हुए, वीडियो तो देखी 3 मिनट में कैसे रेडी हुए, 3 मिनट में कैसे रेडी हुए, उसमें हमारी 5 मिनट वेस्ट हो गई। लॉजिक समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अभी भी शायद एक आ... पहुंच चुके हैं, ये लेट लोग भी आ चुके हैं, इसको लेट कराने वाले लोग। और नहीं है इसके अपने पास। सो अभी हमारी हो रही है रिफ्यूलिंग गाड़ी की, और अभी हम निकल गए हैं रुड़की से। अभी कुछ खाया भी नहीं है, अरे कुछ खाया तो है नहीं, अब देखते हैं वहीं जाके कुछ देखना कहीं मिल जाए तो। बिल्कुल, देखते हैं, नहीं तो एनर्जी नहीं रहेगी तो दिमाग में नहीं चलता। सही बात। हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और काफ़ी अच्छा लग रहा है हरिद्वार दिखने में, बिकॉज पेंटिंग्स बन चुके हैं रोडों के आसपास, और काफ़ी 1-1.5 साल बाद आ रहे हैं। हाँ नहीं, और ज़्यादा टाइम हो गया? नहीं ज़्यादा, मेरे को तो नहीं हुआ ज़्यादा ना, बट उस टाइम काम चल रहा था, अभी स्टार्ट हो चुका, मतलब अभी कम्प्लीट हो चुका है, कुम ऑन गोइंग है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, मतलब अपने रिजॉर्ट लोकेशन, तो अभी इसके बाद जाएंगे। पहुंच चुके हैं अपने होटल, और ये इसमें वैसे काफ़ी अच्छा है, और अभी मैंने चेक इन कर चुका है होटल में, और यहाँ से हम लगेज रख के जाएंगे लोकेशन, और शायद अभी डिसाइड कर रहे हैं हम फाइनल कि कहाँ जाएंगे। वैसे मोस्टली प्रोबेबली पटना वाटरफॉल जाएंगे। आए थे, कैसा लग रहा है ऋषिकेश? ऋषिकेश क्या घर जैसा हो गया भाई, घूमते घूमते चले आते हैं। तो अभी निकाल रहे हैं सामान, और हमारे कपल भी पहुंच चुके हैं। तो जब मन कर रहा ऋषिकेश पहुंच गए, जब मन कर रहा ऋषिकेश पहुंच गए, दिल बना रहा है क्या भाई। अब
अभी हम देख रहे हैं होटल और अंदर खड़े हो अंदर बस स्वागत है आपका सेल्विस होटल में। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, बस आप ही है जो है हमारे मालिक। पानी लेके एक तो इन्होंने हमें दिखाया है कि ये कॉटेज दिखाया है और एक अभी देख रहे हैं रूफ टॉप। सो देखते हैं कौन सा डिसाइड होता है, क्या लगता है कौन सा लेना चाहिए हमें? तो भाई एक छत होना चाहिए, हाँ, और एक प्रॉपर वॉशरूम, हाँ, और नीचे बेड बिछा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सब चलेगा, बाकी सब है जी। अब परिंदा आपको क्या चाहिए? सो आज हम रुके हैं सेल्विस होटल में, बिल्कुल रूफ टॉप रूम्स, शायद यही फाइनल किए हमने, यही फाइनल है, ये फाइनल है, काफ़ी अच्छे। और ये एक स्विमिंग पूल की कमी रही है। तो ये स्टे है हमारा नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए और आपको रूम दिखाता हूँ मैं अपने। तो ये हमारा स्टे 2 दिन के लिए और छोटा सा रूम है, ये एक है और एक और ऐसा है। और यहाँ पे सबसे सही बात मिरर। तो हम निकल रहे हैं लोकेशन पे और हम जा रहे हैं पटना वाटरफॉल। हमारा दोस्त आ चुका है बड़ी दूर राजस्थान से, काफी टाइम बाद बहुत लंबा सफर तय करके, क्या बात। ये ऐसे राजस्थान से आ रहा है अभी और अभी भी पहुंचा ये, और इसको तो आप जानते होंगे, पहले देखा होगा करण पारिक। बैठो 10 रुपये सवारी 10 रुपये। तो अभी हम गलत रास्ते पे आ गए, तो अब जा रहे हैं हम सही रास्ते, सब इसके कारण, ये गलत रास्ता बताता है। और पहुंचने वाले हम पटना वाटरफॉल। सो इसका नाम पटना वाटरफॉल क्यों पड़ा होगा, तुम्हें क्या लगता है? पटना से पहली बार पटना से आइंस्टाइन आया होगा, पटना वाले ने खोदा। हां सर, तो यहां पे लगती है एंट्री फीस पटना वाटरफॉल की 40 रुपये पर गाड़ी, है ना? पहुंच चुके हैं पटना वाटरफॉल के बेस पे और यहाँ से हमें 1 किलोमीटर ऊपर जाना है। क्या रुक जाए हैं? हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर है। एक्साइटेड हो वाटरफॉल देखने के लिए? क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा कम हो गया। क्या दुख है, क्या दुख है जिंदगी में? चाय पिला देते हैं आपको, चलो पहले आ जाते हैं। और ये देखो कितने चैन की नींद सो रहे हैं। यहाँ से हमें जाना है 1 किलोमीटर ऊपर और ये हम आज इतने ही लोग हैं। हम ऊपर पटना वाटरफॉल की दिक्कत मैं मिलने रही है परमिशन, क्योंकि ये एरिया फॉरेस्ट वाले के अंदर आता है। हेलो, अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही है और हमें जाना ऊपर, तो देखते हैं। फिलहाल तो हम पटना वाटरफॉल नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज पुलिस वालों की वजह से, आप जानते ही हो, आप जानते ही हो, सब लोग जा रहे हैं पर कैमरा से पता नहीं इनका क्या हो जाएगा। हम ऊपर से घूम के आए हैं, पूरा ऊपर से। और अभी हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे फिलहाल, यही भैया लोग तो देखते हैं ऊपर क्या सीन होता है अभी, बिकॉज बोल रहे हैं कि परमिशन लाओ ये लाओ। सीधी बात तो ये है कि इंडिया में होता है खाने पीने का चक्कर। सो अभी हम जा रहे हैं कहीं नीचे रिवर साइड, तो दिखाता हूँ आपको। और ये सामने उमेश, आज पहली बार पैदल जा रहे हैं उमेश, कभी कभार हो जाता है। और सो ये कुछ है हमारी लोकेशन रिवर साइड, और वो हमारे कपल आ रहे हैं
काफ़ी गर्मी है यहाँ, बट देखते हैं डुबकी लगाएंगे क्या बोलना है। कुछ नहीं है, डूबना है पानी में। हाँ, हमारे पीछे आ रही हमारी पूरी टीम, हमारे कपल। सो दिखाता हूँ आपको लोकेशन, ये हमारी लोकेशन कुछ ऐसी। सो परिंदा नहाने का मन कर रहा है। हाँ भाई, मैं कूदने। ठीक है, यहीं पे यहीं लगा लेते एक झोपड़ी। मैं चलता हूँ। हैं, यहीं लगा ले एक झोपड़ी, बस यहाँ पे परफेक्ट लोकेशन। फाइंडिंग फाइंड वाली है, यहाँ पे रखना बैग इसके ऊपर। पहुँच चुके लोकेशन पे, ये हो रहा है टीम। चेयर्स और हम सेटअप कर चुके हैं अपना, टीम एक्शन में आ चुकी है। चलो कूद जाओ आसिफ, आसिफ कूद जाओ। और उमेश ठाकुर। तो कर रहे हैं शूट, और पानी काफ़ी ठंडा है। और उमेश ठाकुर आ चुके हैं एक्शन में, फिसलन है वहाँ पे, आराम से फिसलन है आराम से। कुरकुरे कैसे हैं? मैं खिला रहा हूँ, उमेश आराम से मीम मटेरियल नहीं बनना चाहिए आज। नहीं री हो जाएगा। सिनेमैटिक शॉट लेना, वहां से भागते हुए आना तुझे। सिनेमैटिक शॉट कैसे लेना है? चाहिए एकदम भागते हुए, एकदम यहाँ ना पानी में एकदम दौड़ते हुए फोटोशूट। और ये है आसिफ। सही है, रेडी। और ये रहा कुछ रिजल्ट ऐसा है, आपको आराम से वो फिसलन भी है। सो फाइनल शॉट आपको एडिटिंग के बाद दिखेंगे, वो भी इंस्टाग्राम मेमोरियल फिल्म्स एंड प्रोडक्शन। तो दिख रहा है, देख लो। ओके ठीक है, ये सबसे अच्छा जुगाड़ ढूंढ रखा है परिंदा ने, फ्लाई होने वाला ड्रोन। तो ये चल रहा है फोटोशूट, और देख सकते हो आप कितनी मेहनत हो रही है, और बीच पानी देख सकते हो कितना गहरा है वहाँ पे, और फिसलने का डर रहता है, एफर्ट देख सकते हो आप। परिंदा री 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 री। हमारा कुछ शूट हो चुका है इधर लोकेशन का, तो इसके बाद देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। और अभी बहुत गर्मी हो रही है बिकॉज दिन का टाइम है, और सब भीग चुके हैं पानी में। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे, बिकॉज और व्लॉग नहीं कर पाए बिकॉज मूड ख़राब हो गया था वहाँ, क्योंकि जो पटना वाटरफॉल लोकेशन थी वहाँ पे जाने नहीं दिया उन्होंने, और जब हमने जाने की कोशिश की तो उन्होंने फाइन लगा दिया। और क्या करें, दिन ख़राब होता है, कुछ भी होता है, और कब मूड ख़राब है अभी तो तब किसी ने सो अभी चाय ब्रेक चल रहा है, तो इसके बाद देखते हैं रात को कुछ शूट करेंगे तो। और अभी व्यू के आनंद के साथ चाय पी जा रही है। Bride and he is groom. हाँ, नाइट फोटो जो स्टार्ट हो चुका है। और ये क्या रहा नाइट फोटो?
अरे 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 भाई 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 अरे भाई काफी अच्छा हो रहा है हमारा शूट वाला। ये हमारे नकली ग्रूम एंड ब्राइड ऐसे नहीं डालना। ये हमारे रियल ग्रूम एंड ब्राइड और यहाँ पे चल रहा है ट्यूटोरियल। शूट करते करते क्या कहना चाहिए, कितनी थकान लगी आपको? मैं देख लो पैर चल नहीं रहे, ऊपर ही नहीं आ रहे, नीचे पड़े मेरे ऊपर आ रहे, इतने थक चुके। एक तो वाटरफॉल पे गए भी नहीं थे, ये हाल चाल आपके सबने खाना नहीं खाया, मैगी पे जी रहे हैं अभी, शूट कर रहे हैं तो कोई नहीं, अभी एनर्जी आएंगी तुम्हारे में, खाना खाएंगे। फाइनली अब पूरे हेक्टिक डे के बाद आज खाना खा रहे हैं, प्रॉपर खाना, मतलब सुबह मैगी से सारे जी रहे हैं। और आसिफ तो यहीं सो रहा है, हमारा आ चुका है, कुछ तो स्टार्टर आया नहीं क्या? हाँ ये हमारा रेस्टोरेंट है। हाँ अरे हम खाना खा रहे हैं, ये हम खाना खा रहे हैं, एक नंबर भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अत्याचार किया कि सुबह से ट्रेन से उतरते ही डायरेक्ट मेरे को काम पे लगा दिया। तो सर किसने बोला था कि आप इतना कोई काम पे लगा था, मेरे को ना फ्रेश होने दिया ना, उसके बाद पराठा भी खाया चाहे और इस वाले से।